हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल लुकअप हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी टेबल वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, मींस जो भी इंफॉर्मेशन टेबल में है वो कॉलम वाइज होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, फोन नंबर एंड सैलरी। तो जब हमारी टेबल कॉलम वाइज अरेंज्ड होती है, वर्टिकली अरेंज्ड होती है, तब हम वी लुकअप का यूज करते हैं। यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होती है वो फर्स्ट कॉलम में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 103 की वैल्यू चेक करनी है तो लुकअप वैल्यू हम 103 लेंगे और हम इसे सेल में लिख लेते हैं 103। उसके बाद हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में हमने वैल्यू लिख ली है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स होता है टेबल रेंज, तो यहाँ पे हमें फुल टेबल सिलेक्ट करनी होगी। कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस कॉलम का रिकॉर्ड हमें देखना है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 3। और ट्रू एंड फॉल्स, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, तो उसके लिए हम 0 लिखते हैं। तो आंसर आएगा बेंगलोर, क्योंकि थर्ड कॉलम में हम सिटी चेक कर रहे थे। इसी तरीके से 107 के लिए आंसर आएगा पुणे, 108 के लिए आंसर आएगा मुंबई। तो इस तरीके से हम कॉलम नंबर 3 के लिए जब चेक कर रहे थे तो हमें सिटी मिल रही थी। अगर हमें सैलरी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो सैलरी 5th कॉलम में है, तो हमें यहाँ पे 5 देना होगा। तो आंसर आएगा 21870। इसी तरीके से 105 के लिए 32145। इसी तरीके से वी लुकअप को हम डेटा वैलिडेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। डेटा, देन डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू है उसको हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट सिलेक्ट करेंगे एंड सोर्स में हम ये रेंज देंगे, जिससे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। तो जो भी नंबर हमें चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने लिया 105। उसके बाद हम वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे अभी किया था सेम। यहाँ पे हम दो तरीके से फोर्थ वैल्यू दे सकते हैं, एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। टेबल एरे में हम फुल टेबल ले रहे हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस कॉलम की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। हम फोन नंबर की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो 4 लिखेंगे, और अभी हम 0 ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है तो हम 0 लिखते हैं, 0 का मतलब फॉल्स होता है। नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 103। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं, डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यूज के लिए हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ वी लुकअप का। यहाँ पे जो फोर्थ वैल्यू हम लेते हैं एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ले रहे हैं तो हम इसको फॉल्स रखते हैं। फॉल्स के लिए हम 0 लिखते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई टेबल है जिसमें सेल्स कॉलम है एंड इंसेंटिव कॉलम है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई भी सेल नहीं करता है तो उसे कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर 1000 तक की सेल हो जाती है तो इंसेंटिव मिलेगा 200। अगर 2000 तक की सेल हो जाती है तो इंसेंटिव मिलेगा 400 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें वी लुकअप का यूज करना है। तो हम यहाँ पे सेल्स के लिए चेक करेंगे। सपोज की सेल 1000 रुपीज की हुई है तो कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू 1000। टेबल एरे में हम फुल टेबल सिलेक्ट करते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लेंगे 2 क्योंकि हमें इंसेंटिव देखना है। और यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट मैच लिख रहे हैं, मतलब कि ट्रू, तो 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखना पड़ेगा।
एंटर करेंगे तो आएगा 200। इसका यूज ये है कि सपोज अगर 1000 की सेल नहीं हुई, उसके प्लेस पे अगर 1700 की सेल हुई है तो ये मैच नहीं मिलेगा, क्योंकि 1700 ऊपर टेबल में है ही नहीं। तो इस केस में ये अप्रोक्सीमेट मैच लेगा। इसी तरीके से 2500 का इंसेंटिव 400 मिला है, तो अप्रोक्सीमेट मैच का ये यूज होता है। अगर हम यहाँ पे जीरो लिखते, एग्जैक्ट मैच लिखते, तो हमको आंसर नहीं मिलता। तो इस तरह से हम ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम जीरो लिखते हैं, और अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए था, तब हम वन लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जैसे कि अभी हमने वर्टिकल लुकअप डिस्कस किया, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जैसे वहां पे हमारी टेबल वर्टिकली ऑर्गेनाइज थी, यहाँ पे सेम टेबल हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज है, मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो रो वाइज है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, फोन नंबर एंड सैलरी। तो सेम टेबल ही हमने लिया, लेकिन इस टाइम जो टेबल हमारे पास है वो रो वाइज अरेंज है। तो हम लुकअप वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे 102 लिया हुआ है, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लेंगे एच लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद हम देते हैं लुकअप वैल्यू जो कि होगी 102। अभी हम 102 लेके देखेंगे। उसके बाद टेबल एरे, तो यहाँ पे भी हम फुल टेबल सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, जैसे वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर रहेगा, तो रो इंडेक्स नंबर 3 जहाँ पे सिटी है, कॉमा 0, जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। तो आंसर हमें मिलेगा पुणे। इसी तरीके से अगर हमें किसी और एम्प्लॉय के लिए देखना है तो हम देख सकते हैं, जैसे 105 के लिए आएगा थाने। अभी हमने सिटी देखी है, इसी तरीके से अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम रो इंडेक्स नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे सैलरी के लिए हम 5 लेंगे। तो इस तरीके से हमें 105 एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग जो सैलरी है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम एच लुकअप एंड वी लुकअप का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स दी होती हैं, बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो एच लुकअप वी लुकअप के फीचर्स की हेल्प से हम बहुत आसानी से ही डेटा फाइंड कर पाते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फोर्थ वैल्यू हम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन मैच और एग्जैक्ट मैच के लिए, मींस जो 0 और 1 हम लिखते हैं, वो अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारी जो टेबल है वो अरेंज होनी चाहिए, मतलब वो सॉर्ट होनी चाहिए। अगर हमारी टेबल सॉर्ट नहीं है और उसके बाद अगर हम फोर्थ वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो रिजल्ट रॉन्ग आएगा। इसीलिए हमारे पास प्रैक्टिस यही होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि हम चारों फील्ड दें। फोर्थ जो फील्ड होती है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम एग्जैक्ट मैच दे सकते हैं तो हम 0 लिखेंगे, और जब हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए होगा तो हम 1 लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।